जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में साफ सफाई अभियान चलाया गया। सिरोही के शिवगंज में लंबे वक्त से धोखाधड़ी मामले में फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने पकड़ लिया। मांगरोड़ में घटिया रोड के निर्माण को लेकर एबीवीपी का हंगामा देखने को मिला। इस दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जमकर खरीखोटी सुनाई गई। बाब में शिखासर में बरुधरा ग्रामीण बैंक की स्थापना के 2 साल पूरे होने पर 11 एनजीओ को लोन दिया गया। पुनाली में तहसीलदार ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष से 50,000 की मदद दी गई। आहोर के चरडी गांव में तालाब में स्वच्छता अभियान को लेकर विकास अधिकारी ने मौके का जायजा लिया। चाड़ोली में विभागीय लापरवाही से 2 आंगनबाड़ी केंद्र अधूरे पड़े हैं और केंद्र किराए के कमरों में संचालित किया जा रहा है। कोटपुतली में बीजेपी देहात मंडल की तरफ से पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अजमेरगढ़ के कुसुमपुरा में एक ही परिवार के 2 गुटों में जमीनी विवाद हो गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, 3 लोगों की हालत नाजुक है। कोटखाउदा में सांवरिया गांव में तेजाजी महाराज का मेला लगा और 14 गांव से आई मंडलियों ने प्रस्तुतियां दी। यात्रा के पास टैंकर ट्रेलर की टक्कर से ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद क्रेन की मदद से शव को बाहर निकाला गया। अमृतकुआ में आम रास्ते पर गंदगी और कीचड़ की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। 5 लाख की लागत से यहां इंटरलॉकिंग रोड बनाई जाएगी। भड़वल में पंचायत समिति प्रधान टाबाराम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ विस्तार को लेकर संपर्क अभियान शुरू किया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई की अध्यक्ष भास्कर शर्मा ने कालूहेड़ा में जरूरतमंद बच्चों को स्कूली पोशाक बांटी। अर्नावदा चाजी में स्वीकृत नायब तहसीलदार का पद कई महीनों से खाली था और इस पर नियुक्ति के बाद किसानों को राहत मिलेगी। पिपार सिटी में रियान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में महिला कॉलेज की छात्राओं ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। कैनवस में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसान सशक्तिकरण के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। बागुड़ा के रंगाला समेत कई गांवों में स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली गई। बारा नगर परिषद सभापति प्रेम नारायण सांकला के निधन के बाद अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गणमान्य लोग पहुंचे। बोरीना कला में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेद विभाग ने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। बस्ती में विकास अधिकारी के आदेश पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता में स्वच्छता रैली और श्रमदान किया गया। उड़ड़ी में ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए टॉयलेट एक प्रेम प्रथा फिल्म दिखाई गई। बूंदी में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की कार्यशाला रखी। बालेसर में कंप्यूटर सेंटर पर महिलाओं के लिए निःशुल्क RSCIT कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया। रानीवाड़ा में मित्र संख्या संचालकों की तरफ से प्रमाण पत्र बनाने में मनमानी का आरोप लगा। सांगौद में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास के बाहर उगी झाड़ियों को नहीं कटाया जा रहा, इससे जहरीले कीड़ों से हॉस्टल के बच्चे परेशान हैं। कोठड़ी में पशुधन विकास अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। लाखेरी इंद्रगढ़ के बीच कालाबाल के पास एक टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। स्वच्छता रथ के ग्राम पंचायत कुम्हारी आवास पहुंचने पर सरपंच ने रथ का स्वागत किया। हरमाड़ा के नींदड़ के पास जेडीए की आवासीय योजना को लेकर जेडीए ने करीब 1300 बीघा जमीन से पक्के निर्माण को तोड़ा और इसका लोगों ने विरोध किया। कोठड़ी के गहुली में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया ताकि लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके। लून करणसर में मलकीसर स्टेट बैंक में अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तालेड़ा अस्पताल में एक डॉक्टर पर दलित कर्मचारी को परेशान करने के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की। कोटखावदा में महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास परियोजना के तहत की गई। सांगौद तहसील वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष साबिर मिर्जा ने पदभार ग्रहण कर सभी के सहयोग से मिलजुल कर काम करने की बात कही। गोठड़ा गांव में कीटनाशक के असर से किसान की मौत हो गई, दबलाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर साल 10 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा से शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर है पर रास्ता खतरों से भरा है। रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हैं लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के रतनगढ़ में सेठ बंशीधर द्वारा राजकीय स्कूल में राज्य स्तरीय हैंडबॉल लीग में जयपुर अकेडमी की टीम जीती। दौसा के हुल्ला ग्राम पंचायत में हुए सरपंच उपचुनाव में अंजना बीड़ा ने 465 मतों से जीत हासिल की।
बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री सुशील कटारा और मंत्री धन सिंह रावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया गया। बाड़मेर के सरकारी स्कूलों के चुनिंदा विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। बीता समय उंबाला में घटिया निर्माण सामग्री से गौरव पथ बना और इसके बाद रोड पर दरारें आ चुकी हैं। दौसा की धूलखेड़ा पंचायत में हुए सरपंच पद के चुनाव में मीरा अवस्थी ने जीत हासिल की। सिनावासा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और इससे बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने घायल को चिकित्सालय पहुंचाया, वहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तारानगर के झाड़सर कांदलान में पानी का दुरुपयोग किया जा रहा, हजारों लीटर पानी बेकार बह गया। बाड़मेर में विवादों से घिरी ग्राम पंचायत तो सहायक भर्ती में गड़बड़ी के बाद अब 15 ग्राम पंचायतों में 45 सहायकों के चयन की प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू की जाएगी। उकरूंद ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव में पप्पी देवी 231 वोट से जीती। सादुर शहर से सादुरपुर से गुलपुरा जाने वाले रास्ते की खस्ता हालत पर विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। बारिश के चलते लोगों को खासी परेशानी होती है, लेकिन पंचायत बेखबर है। झालावाड़ की महत्वाकांक्षी गागरीन सिंचाई परियोजना से निकलने वाली नहरों का काम शुरू पर है। गागरीन परियोजना की पिड़ावा के नजदीक से निकलने वाली नहर का सर्वे भी अंतिम दौर में है और इस नहर से एक दर्जन से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। घाटौल में नलों से गंदा पानी आ रहा और इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में जलदाय विभाग को ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पिड़ावा में सूरों का आतंक है और खेत में फसलों को नुकसान हो रहा। किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। दौसा की नाहिड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच उपचुनाव में मनोज देवी 370 मतों से विजयी रही। झालावाड़ के डग में महिला एवं बाल विकास विभाग ने निःशुल्क RSCIT कंप्यूटर कोर्स का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण के लिए पाठ्य सामग्री और किट वितरित किए गए। जोधपुर IG आवास सिंह घुमरिया ने बाड़मेर के 6 थानेदारों का तबादला कर दिया। झालावाड़ के गंगाधार उपखंड में लोक देवी संध्या का उत्सव जारी है और इसमें भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए। युवा कांग्रेस कमेटी विधानसभा क्षेत्र धौलपुर की बैठक में सुभाष पार्क में हुई। कार्यक्रम में NSY कार्यकर्ता राज राठौड़ को युवा कांग्रेस में महासचिव पद पर नियुक्ति दी गई। फतेहपुर में बिजली कर्मी के साथ मारपीट मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोतवाली थाने पहुंचे विभाग के कार्मिकों ने कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तलवाड़ा में पातिला तालाब के पास कचरे का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। कचरे के ढेर से लोगों को दिक्कतें हैं, पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही। अग्रसेन जयंती महोत्सव में अग्रवाल महिला मंडल मनिया ने विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई, इसमें 100 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। झालावाड़ के डग थाना परिसर में SDM और DSP की अध्यक्षता में CLG की बैठक हुई। बैठक में कस्बे में फैले अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। जालौदा जागीर में ग्राम पंचायत कार्यालय फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा दिखाई गई और लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए जागरूक किया गया। बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 3 दिवसीय जिला स्तरीय मेला लगा और इसमें विज्ञान गणित और पर्यावरण विषय पर प्रदर्शनी लगी। श्रीमाधोपुर ADG आरती भारद्वाज ने डकैती की योजना बनाने के 2 आरोपियों को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी प्रतापगढ़ पहुंचे और समाज के लोगों से मुलाकात की। सीकर के मढ़ा मदनी पंचायत के सरपंच पद पर पोखर सुंदर निर्वाचित हुए। राजवाखेड़ा थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 लोगों को पकड़ा और 10,000 से ज्यादा नकदी बरामद की। छोटी साधरी में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसमें साठोला और धूलापानी के बीच कबड्डी मैच खेला गया। लक्ष्मणगढ़ में DJ कोर्ट खोले जाने की मांग को लेकर बार अध्यक्ष समेत 2 वकीलों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। करीब 80 लाख की लागत से ADJ कोर्ट का नया भवन तैयार हो चुका है, लेकिन कोर्ट नहीं खुला गया। और चलिए यहां रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद सीकर की खंडेला से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर तेल से भरा टैंकर पलटा है। बाइक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कामंट बाईपास पर यह हादसा हुआ है। तेल लेने के लिए फिर लोगों की भीड़ किस कदर उबड़ पड़ी, ये इन तस्वीरों के बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं। थोई थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके पास देख पा रही है। अनियंत्रित होकर ये तेल से भरा टैंकर पलटा और उसके बाद तेल लेने वालों की जो है वहां पर होड़ लग गई।
और लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। ये पूरा हादसा जो है वो बाइक को बचाने के चक्कर में पेश आया। हालांकि फिलहाल थोई थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है जो टैंकर पलटा हुआ है उसको सीधा किया जाए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। जयपुर से तीसरी संतान के मामले में बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट से आज्ञा जारी होने के बाद ऑर्डर आया है, राज्यपाल की आज्ञा से आदेश जारी किया गया है। ये परमिशन वहां पर राज्यपाल के और उसके बाद ये आदेश जारी किया गया। अब तीसरी संतान हुई तो सिर्फ 3 वर्ष की रोक होगी। प्रमोशन को लेकर ये पूरा मामला था और अब 5 के बजाय 3 वर्ष की रोक लगाई जाएगी। तो वर्षों में सालों में कम यहां पर किया गया है। अब चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, और क्या कुछ कहा गया? देखिए, ये कैबिनेट ने मंजूरी दी थी पहले और उसके बाद ये जो फाइल है ये राजभवन गई थी। राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए और एक बड़ी राहत दी है क्योंकि कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी। हालांकि कर्मचारी अब इसे ये मांग के करने लगे हैं कि इसमें समय सीमा को भी बिल्कुल खत्म किया जाए, लेकिन एक राहत बड़ी मुख्यमंत्री ने दी थी जिस पर अब राज्यपाल ने साइन कर दी है। और ये जो है अब पहले 5 साल में प्रमोशन होता था, 5 साल लेट प्रमोशन होता था जिनके 3 संतानें हैं 2002 के बाद, 2002 के बाद अब जो है 3 साल इसमें समय कर दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यपाल की परमिशन से यह आदेश जो है फिलहाल वो जारी कर दिया गया है। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की बैठक में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष मोहन लाल गुप्ता का स्वागत किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहूनगर में जिला स्तरीय गणित विज्ञान एवं पर्यावरण प्रदर्शनी लगी और इसका उद्घाटन एसटीएम ने किया। रूपवास की ग्राम पंचायत खानवा के लोग कौमी एकता का संदेश देते हुए हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन करेंगे। दरियाबंद में 2 दिवसीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में 180 मरीजों का इलाज किया गया। टोंक शिवपुरी हाईवे पर कुशारीपुरा के पास 2 बाइक सवार युवकों को रोककर लूट का मामला सामने आया, पुलिस की जांच जारी है। रूपवास के जटमासी में आदर्श पीएससी के मेन गेट पर गंदगी का आलम है, शिकायत के बाद भी पंचायत इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हरदास कबास के जनता बाल निकेतन स्कूल की छात्रा से रेप और उसके बाद गर्भपात कराने के दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में बुजुर्ग का वक्त पर इलाज नहीं होने से मौत होने के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग के बाद जांच समिति का गठन किया गया। ग्राम पंचायत ढाना में ओडीएफ और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बीडीओ ने ग्रामीणों की बैठक ली। मनारना डूंगर के सांकड़ा पंचायत में ग्रामीणों ने बछड़ी की ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लगने पर रास्ता रोककर अपनी नाराजगी जताई। जालोदा जागीर के निजी स्कूलों में बच्चों को योग सिखाया जा रहा। तलावड़ा के एक शख्स ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सरपंच और सरपंच के रिश्तेदार पर गांव से निकालने की कोशिश का आरोप लगाया। नंदवेल के दिवाली गांव में तेज बारिश के चलते केलूपोष मकान ढह गया, गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। नसीराबाद में सरवाड़ की टोल रोड बदहाल है, टोल वसूलने के बाद भी रोड की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुचामन सिटी में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के चलते जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। मंडेरडा में राजपुर के ग्राम सेवा समिति लिमिटेड मिनी बैंक समिति कार्यालय पर 50 किसानों को कार्ड दिए गए। ब्यावर में श्री सीमेंट लिमिटेड की श्री शक्ति योजना के तहत उच्च स्किल सिलाई सेंटर पर महिलाओं को 1600 बैग बनाने पर मानदेय का चेक सौंपा गया। पायरी गांव में बारिश से गांव के हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में पानी भर गया और इससे लोगों को दिक्कतें हो रही। कसुम्बी गांव में राजकीय बालिका विद्यालय उपाजरा में छात्राओं ने पेड़ लगाए और संरक्षण का संकल्प लिया। बड़ा गांव में बाईपास बस स्टैंड के पास हादसे में एम्बुलेंस एक ट्रांसफार्मर से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर को कंपाउंडर को हल्की चोट लगी है। अराई की सीएससी और गोठियाना अस्पताल में स्टाफ की कमी से लोगों को परेशानी होती है और इसको लेकर विधायक से शिकायत की गई। मावली के अंबेडकर शिक्षक मंडल के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एडीएम को ज्ञापन दिया। मकराना में गंदगी के चलते लोग परेशान हैं लेकिन पंचायत सफाई नहीं करा रही है। पोंख पंचायत से सरपंच का चुनाव जीतने पर राजविंद्र सिंह गुढ़ा कामयाब हो गए और उनका उम्मीदवार घासीराम सैनी 446 वोटों से चुनाव जीत गया। पसांगर में साधारण सभा की बैठक विधान की अध्यक्षता में की गई। जयपुर की जयसमंद झील में पानी की आवक बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में पानी घुस गया। मकराना पंचायत समिति मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी कई मांगों को पूरा करवाने को लेकर धरने पर बैठी है। झुंझुनू के खांडवा ग्राम पंचायत में समृति ने कई सालों बाद सरपंच पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की।
जाल में सफाई कर्मी कहीं भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं और इससे बदबू की वजह से लोग परेशान हैं। झुंझुनू के बिहारा जाटुआ ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव में विजय कुमार ने जीत दर्ज की। नसीराबाद के उपखंड अधिकारी भावना शर्मा का रूपनगढ़ ट्रांसफर होने के बाद अजमेर के सहायक कलेक्टर श्वेता यादव ने कार्यभार संभाला। हिंजौली विधायक अशोक चांदना ने चांदमा, टांटोटी, लामबालिया, सराना समेत कई गांवों का दौरा किया। चित्तौड़गढ़ के बिरोता में सड़कों की हालत बद से बदतर है, इससे लोगों को दिक्कतें हो रही। पाली के सुमेरपुर के पास अनियंत्रित बस से सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई। नागौर में युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसमें युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ के आकुला में नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। पाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों का आंदोलन जारी है। नागौर के डेगाना अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में बारिश के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं होने से आमजन को परेशानी हो रही है। पारी के बल के बाद एक कार को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, दो लोग जख्मी हो गए। पादुबड़ी में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और इसमें युवाओं ने श्रमदान किया। नागौर के इंदावर गांव के मॉडल स्कूल में विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निम्बाहेड़ा में चल रहे विशाल पंचकर्म और आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने निरीक्षण किया। मेरठा में साइड निःशक्त जल शिविर की मांग को लेकर जागरूक संघ के विमलेश व्यास ने कलेक्टर को पत्र भेजा। नागौर के लाडनू में दुर्गा पूजा के लिए पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। लाडनू में करीब 15 जगह दुर्गा पूजा का कार्यक्रम होना है। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपका साथ देंगे सहयोगी श्वेता।